सौर भारत के इस कार्यक्रम की मैं जितनी सराहना करूँ वो कम है। इस पर्व में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर लोग श्रद्धा भक्ति भाव में लीन है और आपका यह कार्य निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देता है और आपके यह कार्य को हमारा समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी सौर भारत ऐसे ही कार्यों में संलिप्त रहे। जो है ये बिहार का महानतम पर्व है और आज तो इसकी आस्था इतनी बढ़ी है कि पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में छठ पर्व मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह प्रकृति पूजा है, निश्चित रूप से हम भगवान सूर्य को अस्त होते हुए और भगवान सूर्य का उदय होते हुए ये पूजा करते हैं और इसमें जो भी फल वगैरह यूज होता है वो निश्चित रूप से हम लोग को स्वस्थ और स्वास्थ्य दोनों प्राप्त करता है, बल प्रदान करता है। जल में उतरने की बात है, उससे हम लोग का बहुत तरह का बीमारी भी दूर होता है। चिकित्सक होने के नाते मैं ये बताता हूँ कि ये निश्चित रूप से ये पूरी तरह से वैज्ञानिक पर्व है और यह सुख समृद्धि के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी हम लोगों को प्रदान करते हैं। सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के बीच छठ महापर्व के दौरान सूप में नारियल और सामग्री का वितरण किया गया, बहुत ही बड़ी बात है। ये हमेशा ये काम सौर्य भारत फाउंडेशन करते रहते हैं, सेवा का काम, आज धार्मिक काम, हमेशा आप इस तरह का काम करते रहें। सौर्य भारत न्यूज़ को और फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये। हर क्षेत्र में लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें मैं भी सहभागी बना, मुझे भी आमंत्रण दिया गया, मैं भी इस पुण्य में सहभागी बना, इस कार्य के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम को आस्था के पर्व में सौर भारत का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये बहुत सराहनीय है और इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें, छठ मैया से यही आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने छठ व्रत पर्व बहुत अच्छा आयोजन किया है, खासकर अमित बाबू, समीर रतौगी जी, आपके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो छठ व्रतियों के लिए आपने इस शुभ कार्य अपने हाथों से किया है और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।